नमस्ते क्लास, क्लास नाइन्थ, दूसरा दिन, तीसरा पार्ट। ठीक, फटाफट रिकैप करते हैं। क्लास नाइन्थ में चैप्टर मोशन स्टार्ट किया गया है। उस चैप्टर में, एक दिन के चैप्टर में बहुत सारी बातें की गई, लेकिन मुद्दे की बात, समझने वाली बात, याद रखने वाली बात एक या दो लाइन का। क्या हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने फिजिक्स का पहला फेनोमेनन हिलना डुलने पे बात किया। तो इस हिलने डुलने को एक शब्द बनाया गया, मूवमेंट, और उसे डिफाइन कर दिया गया कि अगर एक ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंचता है तो माना जाएगा, कहा जाएगा कि ये मूव किया। सेंटेंस बना चेंज इन पोजीशन, शब्द पोजीशन। अब ये जो हम लोग बोलते हैं यहाँ से यहाँ चला गया, तो जब शब्द दिए यहाँ पर, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से वहाँ चला गया, तो ये पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम थोड़े कंफ्यूज हुए, क्योंकि किसी एक पर्सन का पोजीशन हम 10, 50, 100 बता सकते हैं। ठीक, 10, 50, 100 बता सकते हैं। अगर हम अपना पोजीशन सामने के कैमरा से ले लें तो मेरा पोजीशन 1 मीटर पे, बहुत पीछे से लें तो 10-15 मीटर मेरा पोजीशन हो जाएगा। हम पटना से ले लें तो मेरा कई किलोमीटर में मेरा अपना पोजीशन आएगा। एक ही समय में मेरा ही पोजीशन अलग अलग करके आ सकता है। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग पहले डिसाइड करेंगे कि फ्रॉम वेयर वी फाइंड पोजीशन। तो उस पॉइंट को जहाँ से नापा जाएगा, जहाँ से बताना है कि उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन कैसा है, उस पॉइंट को हम लोगों ने कहा रेफरेंस पॉइंट या पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्वेश्चन में या बताते वक्त विथ रेस्पेक्ट टू, ये शब्द खूब लगाएंगे हम लोग और काम चल जाएगा। तो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब हम इस नज़र से देखेंगे कि किसके आधार पे बता रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट हम किसी का पोजीशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इन ए मूविंग बस, हम अपने साथी पैसेंजर के साथ बैठे हैं, तो मेरे रेस्पेक्ट में मेरे दोस्त का, मेरे बगल में बैठे सीट पर पैसेंजर का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो मेरे रेस्पेक्ट में वो मूव नहीं कर रहा है, लेकिन बाहर खड़े किसी व्यक्ति के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन लगातार बदलते जा रहा है। जैसे जैसे बस आगे जा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट, वो पैसेंजर मूवमेंट में है। बस इतना ही पढ़ाया गया था आपको। दो शब्द, एक शब्द सुन लिए पोजीशन, जो कि रिलेटिव टर्म है, जो विथ रेस्पेक्ट टू बातें करेंगे। आसान बात कह दिए, सिंपल स्पष्ट बात। अब आगे देखिए, 2-3 मिनट फिजिक्स थॉटफुल बातें होती हैं। फिजिक्स से हल्का कुछ नहीं है क्लास नाइन्थ में, क्योंकि पढ़ना ही बहुत कम है। फैक्ट्स, हल्के फुल्के फैक्ट्स को समझा देना है बस। विशेष प्रकार का कॉम्प्लिकेटेड तो आप बड़े क्लास में जाएंगे तो मिलता है, तो काफ़ी आसान है, आराम से ले लेंगे, वेरी सिंपल। ठीक, सिर्फ नज़र खुला रखना है, दिमाग खुला रखना है, आने देना है बातों को, और थॉट भी करना है। थॉटफुल रहेंगे तो दिमाग में बहुत सारी बातें क्लिक करेंगे। अब आइए हम वही आपके फैक्ट को, आपके थॉट को एक बार फिर देखने का, चेक करने का ट्राई करते हैं कि समझे हैं कि नहीं समझे हैं। ठीक, फिजिक्स में क्या होता है ना, सवाल पूछेंगे, बच्चा जवाब देता है तो मज़ा आता है। ठीक, तो आइए एक हम लाइन खींचते हैं और हम इस जीरो को ओरिजिन कह देते हैं, कि जो भी मेजरमेंट करना है हम इस ओरिजिन से करेंगे, कोई इशू नहीं होना चाहिए, आसान बात। और हम ऐसे ऐसे माइलस्टोन लगाना स्टार्ट करते हैं ताकि पोजीशन का पता चल सके। 2 मीटर पे है, 4 मीटर पे है, 6 मीटर, 8 मीटर। अब थोड़ा हम ना, पहले ही कहा गया है कि फिजिक्स में अचानक से वर्ड पटकेंगे नहीं। हमने अचानक से वर्ड पोजीशन नहीं पटका है, हमने अचानक से वर्ड रेफरेंस पॉइंट नहीं पटका है। पहले आपको ज़रूरत का एहसास दिलाया गया है कि हमें कंफ्यूज कर रहा है, साइंस कंफ्यूजन को दूर करने आ रहा है, स्टैंडर्ड को रेज करने आ रहा है। ठीक, तो सिमिलरली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं,
दोनों तरफ 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर लिख सकते हैं, और यहाँ पर एक और व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं, ए और बी दो पर्सन खड़े हैं, दिस विल बी द ओरिजिन रहेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब आइए क्वेश्चंस पूछते हैं। हम पूछते हैं पोजीशन ऑफ ए बताइए, तो आपने बताया 4 मीटर पे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 0 से नाप रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है हमको। और हमने एक अनदर क्वेश्चन पूछा पोजीशन ऑफ बी, यहीं से नापेंगे ना, 2 मीटर 2 मीटर 4 मीटर पे है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलत नहीं है। ठीक, यहाँ तक कंसेप्ट नहीं है, कन्फ्यूजन भी नहीं है। जब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा तो फॉर क्लियरेंस कोई नया लॉजिक नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला बात, थोड़ा सा हम आगे बहुत जल्दी बढ़ गए। आपने बताया ना, देखो पहले कॉमन सेंस में कहते तो कहते हैं इतना है, ए का पोजीशन यहाँ से इतना वहाँ तक है या वहाँ तक है, ऐसे करके वर्ड होता है, वहाँ तक है या वहाँ तक है की बातें कर लेंगे। ठीक, अब इस वहाँ तक से काम नहीं चलेगा, इसे हमको मेजर करना पड़ेगा। अब मेजर करके हम कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 1 2 3 4 ऐसा कुछ। ठीक, तो वो होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, हम कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे। इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग, अब फिजिक्स के पास एक वर्ड आएगा, ठीक फिजिक्स, अब देखिए फिर वर्ड नहीं पटक रहे हैं, हमने क्या बोला, अब हम बताएं कि ये यहाँ से यहाँ गया, इतना गया और यहाँ गया और थोड़ा दूर गया, तो अब हम इसे नाप लेते हैं ना, और नाप के हम मेजरमेंट वैल्यू देंगे, तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड कहा गया। व्हाट इज मैग्नीट्यूड, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, एनी मेजरमेंट वैल्यू इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, लाइक 1 2 3 4 5 वट एवर जो आप कह दें। तो जो हम लोगों ने 4 4 लिख दिया, ये हमारा मैग्नीट्यूड है। किसी को अगर हम 10 लिखते हैं तो हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। आसान बात कह रहे हैं, सिंपल स्पष्ट बात। ठीक, तो हमने ये लिख दिया और हमने पोजीशन बता दिया। अब ध्यान से देखो, जो अब हम सवाल रेज करेंगे ना, वो हमें एक ज़रूरत को क्रिएट करेगा। क्या अगर हम इसको लिखने के लिए, ज़्यादा फिजिक्स में खूब सिंबल चलता है, पोजीशन ऑफ ए पोजीशन ऑफ बी। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा जाए क्या पोजीशन ऑफ ए पोजीशन ऑफ बी के बराबर है, दिख तो रहा है, हाँ सर 4 मीटर 4 मीटर दोनों 4 मीटर पे हैं। आप अगर हाँ कहते हैं तो थोड़ा अधूरापन है आपके समझने में। अगर हम बिना ये देखे, बिना ये बताए, हम आपसे बोले कि दो ऑब्जेक्ट है ए और बी और दोनों का पोजीशन है 4 मीटर पर, तो आपके मन में होगा ना कि हाँ 4 मीटर पे दोनों खड़े हैं सर, तो दोनों का पोजीशन एक है। आप पोजीशन एक है का मतलब क्या, दोनों पास में खड़े हैं, एक ही जगह पर है। लेकिन क्या इस डायग्राम में ए और बी दोनों एक ही जगह पर है, नहीं, भले मैग्नीट्यूड सेम है। देखा लैंग्वेज, अब फिजिक्स में जैसे जैसे नए नए वर्ड आते जाएंगे आपका लैंग्वेज में सुधार होते जाएगा। ठीक, तो माना दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन पोजीशन सेम नहीं है, एक 4 मीटर इधर खड़ा है ए, तो बी 4 मीटर उसके उल्टा में उधर खड़ा है। अगर ए बाएं खड़ा है 4 मीटर तो दाएं खड़ा है बी 4 मीटर, अगर ए 4 मीटर आगे खड़ा है तो 4 मीटर पीछे खड़ा है बी, अगर 4 मीटर ऊपर खड़ा है तो 4 मीटर नीचे खड़ा है बी। समझ रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड से नहीं काम चलने वाला है। अगेन देयर इज ए कन्फ्यूजन कि ए और बी का पोजीशन 4 मीटर है तो क्या आप कह सकते हैं दोनों एक के जगह पे हैं, ऐसा भी तो सीन हो सकता है, हो सकता हो साथ ही खड़े हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन हो सकता हो ऐसे ऐसे भी खड़े हो, उस कंडीशन में भी 4 ही मीटर कहेंगे। ठीक, तो अब हमारे फिजिक्स को आ रहा है प्रॉब्लम,
अब हम मेरे फिजिक्स में इसको नापने के लिए मैग्नीट्यूड में नाप लिए चार, लेकिन अब हम इस चार को भी और समझाएंगे कि 4 मीटर इधर है कि 4 मीटर उधर है। अब हमारे फिजिक्स को 4 मीटर में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा इन टर्म ऑफ व्हाट, इधर उधर, बाएं दाएं, आगे पीछे, ऐसे करके हमें बताना पड़ेगा, यानी ये बराबर नहीं है इसके लिए। ठीक, अगर हमें बराबर करना है पोजीशन ऑफ ए को पोजीशन ऑफ बी के बराबर लिखना है, अगर बराबर नहीं है तो रिलेशन क्या है, तो ये बाएं है तो ये दाएं है, ये इधर है तो वो उधर है, ये आगे है तो ये पीछे है। तो फिजिक्स में अगर हम यहाँ पे एक माइनस लगा दें तो ये माइनस हमें डायरेक्शन के बारे में बता देगा। अब देखो ध्यान से, पोजीशन ऑफ ए बराबर तो है पोजीशन ऑफ बी के, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में, माइनस प्लस और माइनस उल्टा सीधा की बात है। अब हम फिजिक्स में थोड़ा लिखेंगे इधर या उधर या लेफ्ट या राइट। ठीक, लेफ्ट या राइट कहेंगे तो आप पूछोगे सर मेरा लेफ्ट की आपका लेफ्ट, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो फिजिक्स साइंस का काम होता है कि सिंप्लिसिटी में बातों को लेके चले, तो सिंप्लिसिटी बनाया जा रहा है और बोला जा रहा है माइनस लगा देते हैं। अगर हम माइनस का मतलब क्या रहेगा, सिर्फ उल्टा, यहाँ माइनस का और एक मंत्र के रूप में याद कर लो, फिजिक्स में प्लस और माइनस का मीनिंग होता है जो कि उसके डायरेक्शन से रिलेटेड होता है। पोजीशन ऑफ ए का माइनस क्या हुआ, माइनस मतलब इसका उल्टा, इसके उल्टा पोजीशन पे है बी, और मैग्नीट्यूड देखा जाए तो 4 मीटर 4 मीटर पे है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन पोजीशन एक दूसरे के अपोजिट हैं, फॉरवर्ड अपोजिट हमने माइनस लाया। ठीक, तो अगर हम यहाँ माइनस 4 मीटर लिख दें तो ये और करेक्ट बताता है। ठीक, हम आपसे आपके आपके दिमाग की समझ की बात करें कि प्लस 4 मीटर और माइनस 4 मीटर में ज्यादा कौन हुआ। अगर तुम मैथ को नहीं समझेगा, अभी मैंने कहा भी कि माइनस जो होता है वो सिर्फ बात बताने के लिए आ रहा है, उसके मैग्नीट्यूड उसके वैल्यू में कुछ फर्क डालने नहीं आ रहा है, तो क्या कहेंगे, प्लस 4 माइनस 4 दोनों बराबर है, किसी का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। ठीक, मैथ पकड़ लेगा तो माइनस 4 तो कम होता है। ठीक, आगे भी ये खूब यूज होने वाला है, कल को गाड़ी का स्पीड प्लस 4 मीटर पर सेकेंड से गाड़ी चल रहा है और एक माइनस 4 मीटर पर सेकेंड से गाड़ी चल रहा है, कौन ज़्यादा तेज चल रहा है, कोई नहीं, दोनों 4 से चल रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड, लेकिन एक में माइनस लगा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक गाड़ी इधर की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड में, तो इसके ऑपोजिट माइनस 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। IIT का सवाल हो गया कि दो ऑब्जेक्ट है, एक प्लस 4 मीटर पर सेकंड से और एक माइनस 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो आफ्टर सम टाइम्स दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इतना तक देखना होता है, ना समझ में आए रिपीट करेंगे, वापस जाएंगे, बैक देखेंगे, फिर से पढ़ेंगे, समझ में क्यों नहीं आएगा। तो समझिए, ये बातें हमें फिजिक्स के लिए बैठे साइंटिस्ट को इशारा करता है कि भाई एक काम कर, जो भी तुम वर्ड लेके आने वाले हो पोजीशन के चेंज को दिखाने के लिए, उसको तुम पहले मेज़र करो, उसमें मैग्नीट्यूड लगाओ। ठीक, उसके बाद एक कन्फ्यूजन दूर करो कि हम ऐसा कुछ मेजरमेंट का जो भी वर्ड बनाएंगे जिससे हम डिस्टेंस कहेंगे, लेंथ कहेंगे, उसमें डायरेक्शन का भी ख्याल करने दो हमको। एक तो कॉमन भाषा में तुम कह दोगे कि 4 मीटर गाड़ी 4 मीटर पे कोई है, और थोड़ा स्पेसिफिक करोगे तो कहोगे 4 मीटर
ईस्ट में खड़ा है, 4 मीटर वेस्ट में खड़ा है, 4 मीटर ऊपर है, 4 मीटर दाएं है, 4 मीटर इधर है। ये जो सेंटेंस शब्द लगा रहे हैं शब्द, उससे और क्लियरेंस आएगा। तो फिजिक्स के साइंटिस्ट लोगों के पास गया कंसेप्ट कि भाई अब तुम एक कंसेप्ट बनाओ जिसमें आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लो और इसमें डायरेक्शन की भी बात करो। कोई कहेगा सर हम डायरेक्शन की बात नहीं करना है, कोई बात नहीं, लेकिन क्लियरेंस रखोगे ना कि एक डायरेक्शनल क्वांटिटी, एक नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी। ठीक, आपको ऐसे ही बोलना है तो बोल दो कोई 4 मीटर पे खड़ा है, गलत नहीं है। और ये भी तो बोल सकते हैं ना कि कोई 4 मीटर दाएं खड़ा है। तो ये दो तरह से हम मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे। दिख रहा है जरूरत पड़ रहा है साइंटिस्ट को कि अब हमें दो तरीके से मेजर करना पड़ेगा, एक में डायरेक्शन का ख्याल कर लेंगे, एक में डायरेक्शन का ख्याल नहीं करेंगे। तो ऑन दैट बेसिस हम लोगों के पास अब हमारा फिजिक्स इन सब को मेजर करने के लिए एक अच्छा वर्ड जो खूब इस्तेमाल किया जाता है, फिजिकल क्वांटिटी लेके आएगा। मतलब अब जब फिजिक्स को परेशानी होगा, फिजिक्स अपना एक वर्ड लेके आएगा, दैट वर्ड इज क्वांटिटी। फिजिक्स में इस्तेमाल कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी। वो फिजिकल क्वांटिटी हो सकता हो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लेंथ को मेजर करता हो, तो कोई भी एक्स वाई जेड नाम दे देंगे। हो सकता हो गाड़ी चल रहा है, गाड़ी के चलने के रेट को मेजर करता हो। तो जितने भी तुम फिजिक्स में पढ़ के सुन के चले आ रहे हो, डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट तो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, ये सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिक्स में इस्तेमाल किए जा रहे कुछ शब्द हैं जिनके अपने मीनिंग होते हैं, उसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जाना नहीं है तुरंत, अभी हम 5 मिनट के बाद अपलोड कर देते हैं आपका अनदर पार्ट, पार्ट 4। ठीक, उसमें रिकैप नहीं किया जाएगा, तुरंत कनेक्ट करेंगे। हम समझ रहे हैं कि आप 2 वीडियो एक दिन में देख रहे हैं रेस्ट करके और थॉटफुल होके। फिर इसको लिखने में आपको 2 मिनट लगेगा, लेकिन बहुत सारी बातें की गई हैं और इसमें हम लोगों ने जरूरत निकाला है कि अब हमें एक शब्द चाहिए इसको नापने के लिए या किसी चीज़ को नापने के लिए। ठीक, अभी इतना समय हुआ है, बाद में उतना समय हो गया। अब समय कहा ना हमने, टाइम वर्ड बोले ना, तो ये वर्ड है जो हमें सिंप्लिसिटी बना रही है। ठीक, तो मिलते हैं, जस्ट भागना नहीं है, तुरंत मिलते हैं।